अस्सलाम वालेकुम, मैं मसर फातिमा। खास आप लोगों के लिए देखिए पॉपलेट फिश फ्राई दो किस्म में मैंने फ्राई किया है, बहुत ही बेहतरीन बनी है। आप लोग इसे ज़रूर फ्राई करिए और खाइए, और हाँ बताना ज़रूर। देखिए मेरी फिश कितनी अच्छी से पक गई है, देखिए कितनी अच्छी से गल गई है, देखिए अंदर तक कितना अच्छा पका है, देखिए बहुत बेहतरीन बनी है। आप लोग भी इसी तरीके से बनाना और अपनी फैमिली को खिलाना। देखिए कितनी अच्छे से पक गई है, देखिए फिश बहुत बेहतरीन बनी है और टेस्ट में भी बहुत बेहतरीन है। नमक मिर्ची हर चीज़ परफेक्ट है। चलिए इसका बनाने का मैं आपको तरीका बता दूं। अगर अब तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देख सकते हैं पॉपलेट फ्राई करने के लिए, देखिए मैं ले रही हूँ दो पॉपलेट लिया है मैंने। दोनों को अलग अलग तरीके के मसाले लगा के मैं इसे फ्राई करने वाली हूँ। तो ये देखिए मैंने इसे बीच में, ये देख सकते हैं मैंने बीच में से देखिए अच्छे से इसे कट लगा लिया है। और ये देखिए सारा, ये देखिए मैंने धोकर बहुत अच्छे से इसे साफ रख लिया। दोनों साइड मैंने इस पर कट लगाए हैं और ये देखिए ये भी इस पर भी मैंने कट लगाए हैं। देखिए सारा मैंने अच्छे से अंदर साफ अच्छे से धो लिया है। इसे मैं अंदर तक यहाँ तक मसाला लगाऊंगी सारी मच्छी में। देखिए ये हाफ के जी है, ये हाफ के जी है। चलिए इन दोनों में जो मसाले लगने वाले हैं वो बता दूँ। पहले मैं हरी मिर्च का, और इसमें देखिए 10 हरी मिर्च है, 1 कप हरा धनिया, 1 कप पुदीना, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। और इसमें जो ऐड होने वाले हरे मसाले में, जो मसाले ऐड होने वाले, काली मिर्च है 1/2 चम्मच, 1 चम्मच नमक है, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है और 1 चम्मच ये फिश मसाला है। ये मच्छी में जो मैं ऐड करने वाली हूँ ये मसाले, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 चम्मच देखिए ये फिश मसाला है और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर है, 1 चम्मच नमक है और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर है। इन सारे मसालों को मैं अच्छे से मिला लूंगी और ये जो मसाले हैं मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ। तो दोनों को मैं हाथ से मिलाने वाली हूँ। देख सकते हैं आप सारे मसाले मैं इसमें डाल दिया है और इसे हाथ से मिलाना है, क्योंकि फिश में अच्छे से अंदर तक हमें सारा मसाला मिलाना है तो हमें हाथ से ही मिलाना है। तो पहले मैं ये मसाले को एक फिश में लगा लूँगी, फिर हाथ धोने के बाद वो मसाला मैं अलग से मिलाकर इसमें ऐड करूँगी। ये देखें अब मैं ये मसाला देखिए इस फिश में लगा रही हूँ। इसमें जो कट है उस कटों में भी मैं अच्छे से मसाले को भरते हुए, ये देखें अच्छे से इसमें मसाले भरते हुए मैं इसमें लगाऊंगी। ये भी फिश बहुत अच्छी फ्राई होती है, बहुत मज़े में बेहतरीन होती हैं। आप ये भी इस तरीके का भी फ्राई करके खाइए, बहुत मज़ेदार होती हैं ये भी। मैं इसके कटों में सारा मसाला बहुत अच्छे से भर रही हूँ। ये देखें ये जो अंदर है यहाँ पर भी मैं ये जो मसाला है अंदर भी मैं अच्छे से सारा मसाला भर लूंगी। ये देख सकते हैं आप सारा मसाला मैंने मच्छी में बहुत अच्छे से मिला दिया। देख सकते हैं आप सारा मसाला, ये देखिए मैंने बहुत अच्छे से मिलाया है। चलिए इसे 15 मिनट के लिए एक साइड पे मैं रख दूंगी और अब ये जो मसाला है इसे मैं अच्छे से मिलाऊंगी और ये मसाला और एक मच्छी में मैं ऐड करूंगी। चलिए ये मैंने अच्छे से मिला दिया है। देखिए इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अदरक लहसुन जो है उसी में पानी होता है, तो हमें इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मसाला कितने अच्छे से मिलकर रेडी हो गया है, सारा मसाला अच्छे से इसमें मच्छी के कटा जो है उसमें मैं बहुत अच्छे से भरूँगी। ये देखिए इस तरीके से, मज़े में बहुत बेहतरीन होती है ये भी। आप ये भी फ्राई करिए, अपने बच्चों को फैमिली को फ्राई करके ज़रूर खिलाइए पॉपलेट मच्छी। ये देखिए मैं अंदर भी इसके इस तरीके से मसाला भर रही हूँ। भरते समय हाथ का ख्याल रखिए, कांटे लगने नहीं चाहिए। इस तरीके से सारा मसाला अच्छे से इसमें भरना है। देखिए अभी ये सारी मच्छी पे मसाला लगने के बाद मैं इसे 15 मिनट तक रख दूंगी इसी तरीके से, उसके बाद मैं फ्राई करूंगी। ये देखें सारा मैंने मसाला इसमें मिला दिया है सारी मच्छी में। चलिए दोनों भी मैं एक साइड रख रही हूँ। 15 मिनट हो गए, देखिए अब मैं ये जो मसाला मिला के रखे थे मच्छी को, ये मच्छी दोनों भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। धीमे पे मैं इसे कवर करके
फ्राई करूँगी, थोड़ी देर में धीमा रखूँगी, उसके बाद मैं इसे गैस तक में बढ़ा दूँगी। ये देख सकते हैं दोनों रोटी बहुत अच्छे से फ्राई हो रही है, बहुत अच्छे से पलट दूँगी। एक साइड अच्छे से पक गई है, देख सकते हैं। अब मैं इसे अच्छे से पानी कर दिया, दूसरे साइड में रखे अच्छे से पका लूँगी। ये देख सकते हैं दोनों साइड भी बहुत अच्छे से पक गए हैं। और इसमें अब मैं डालने वाली हूँ थोड़ा थोड़ा सा नींबू का रस, खाते समय और ऐड कर लेंगे हम नींबू। इसमें बड़ा चम्मच एक भर के मैंने तेल डाला था, इसी एक ही चम्मच में देखिए फिश अच्छे से फ्राई हो गई है। देख सकते दोनों से अभी मैंने बहुत अच्छे से पका दिया है। अब हम करते हैं गैस का फ्लेम ऑफ, चलिए इसे करते हैं डिश ऑफ। ये देख सकते हैं आप पॉपलेट फिश फ्राई रेडी है, बहुत ही बेहतरीन फ्राई हुई है। आप लोग भी इसी तरीके से फ्राई करिए, खाइए, और हाँ बताना ज़रूर मेरी ये भी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। इंशाल्लाह मैं नई से नई अच्छी से अच्छी रेसिपी के साथ फिर मुलाकात करूँगी। अल्लाह हाफिज़।